बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें उपायुक्त कार्यालय में रखा सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेडर ने आग पर जल्दी से काबू पा लिया, नहीं तो कई अन्य भवन भी आग में जलकर राख हो जाते। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें उपायुक्त कार्यालय में रखा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे के पास आग लग गई थी और आग के कारण काफी सालों पुराना रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है। हादसे में किसी भी जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। बताया गया है कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। अगर थोड़ी कोताही और बरती जाती तो जिलाधीश भवन में SP कार्यालय सहित करीब अन्य विभिन्न विभागों के कार्यालयों में भी आग लग सकती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पिछली रात करीब 2:30 बजे हमारे SP ऑफिस के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी कुछ उनके कब्जे में कुछ कमरे हैं, वहाँ जो है वो एक कमरे में जो पुरानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की रिकॉर्ड उन्होंने रखा हुआ है उसमें जो है वो आग जो है वो भड़क गई, जिसपे जो है हमारे पुलिस कंट्रोल रूम ने तत्काल सूचना जो है वो फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस थाना सदर और हमारे शहर की जो PP सिटी है वहाँ की पुलिस जो मौके पे पहुंची और मैं स्वयं भी घटनास्थल पे आया था। तो इसमें जो है वो रिकॉर्ड जो है वो पुराना रिकॉर्ड जो DC ऑफिस का है वो जल गया है। पुलिस इस मामले में जो है वो तहकीकात कर रही है और ताकि इसके एग्जैक्ट जो है वो कारण उनका पता लगे, लेकिन कोई जानी नुकसान जो है वो इस घटना में नहीं हुआ है।